देखो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 1994 का क्वेश्चन कह रहा है if omega is an imaginary cube root of unity then the value of sin times omega to the 10 plus omega to the 23 times pi minus pi by 4। देखो ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, आप जानते हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ओमेगा टू द क्यूब इक्वल टू 1, ठीक ओके। ओमेगा टू द 10 है ना, तो ओमेगा साइन ऑफ लिख लेते हैं, ओमेगा टू द 9 टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 21 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर टाइम्स पाई माइनस ऑफ पाई बाई 4, ये लिख लिया। ओमेगा टू दी क्यूब इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज ओमेगा टू दी 9 इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्यूब दोनों तरफ करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा 9 और ये 1 ही आएगा, ठीक। सिमिलरली अगर ओमेगा टू दी इसका पावर 7 करें तो ये 21 बन जाएगा और ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है, ये 1 ही रहेगा। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, तो साइन ऑफ ओमेगा टू दी 9 1 के बराबर, इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा टू दी 21 कितना है 1 के बराबर, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर टाइम्स पाई माइनस ऑफ पाई बाई 4, ठीक है। अब आप जानते हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है माइनस 1। ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन ऑफ माइनस 1 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। अब आप देखो माइनस है, माइनस बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन टाइम्स पाई प्लस पाई बाई 4, पाई सेकंड क्वाड्रेंट प्लस पाई बाई 4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, इसका मतलब एक और निगेटिव बाहर आएगा तो ये क्या निगेटिव निगेटिव प्लस बना देगा और साइन ऑफ पाई बाई 4 आ जाएगा, तो साइन ऑफ पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो इसको सॉल्व करना था, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना था कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये रिजल्ट, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन ऑफ माइनस पाई मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज किया। फिर उसके बाद साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है वो किया, ठीक है।